दसवीं के छात्रों के लिए लेकर आया हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का। कक्षा दसवीं का विषय विज्ञान का पेपर जो कि आपका 20 सितंबर को होना है 100% सेट ए रियल पेपर है दोस्तों, यही आपका पेपर आएगा। इसमें आपको 20 अंकों का माफ कीजिए ये आपका 75 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा और इसमें 3 घंटे का समय रहेगा। निर्देश सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य रहेंगे। ये आपका नियम है 1 से 4 तक 1 अंक, 6 से 17 तक 2 अंक, 18 से 20 तक 3 अंक और 21 से 23 तक 4 अंक। और ये आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो पहला इसका, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये आपके सही विकल्प हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बा एलपीजी का दहन, भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उत्प्रेरक, ऑप्शन अ विटामिन, ऑप्शन बा मिनरल, ऑप्शन सा एंजाइम, ऑप्शन द हार्मोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा एंजाइम। नेक्स्ट, इसका समतल दर्पण की फोकस दूरी है अनंत, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ऋण 1 सेंटीमीटर। तो जो समतल दर्पण की फोकस की दूरी है वो है अनंत। नेक्स्ट, इसका टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑस्कोर्टिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। तो जो टमाटर में अम्ल होता है वो होता है एसिटिक अम्ल। अब चलते हैं, 2 अम्ल होते हैं एसिटिक और अक्जोटिक अम्ल। अब चलते हैं नेक्स्ट, प्रकाश के विश्लेषण का से प्राप्त 7 रंगों का समूह को कहते हैं प्रतिबिंब, स्पेक्ट्रम, छाया, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, जो 7 रंगों का दिखता है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ऑप्शन अ घास, गेहूँ, धान, आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। जी हाँ, तो जो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा घास, बकरी तथा मानव। तो ये थे आपकी सही विकल्प दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये भी आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। हमारे शरीर की कोशिकाओं स्तर पर भोजन का दहन खाली स्थान कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, वो कहलाता है मंद दहन। अब चलते हैं नेक्स्ट, आमाशय से निकलने वाली प्रोटीन पाचक विकर का नाम खाली स्थान है, तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा पेप्सिन। अब चलते हैं नेक्स्ट, गोलीय दर्पण की फोकस की दूरी उसकी विकृता त्रिज्या की खाली स्थान होती है, तो इसका राइट आंसर होता है आधी। नेक्स्ट, प्रिज्म द्वारा खाली स्थान रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैंगनी। जी हाँ दोस्तों, बैंगनी। अब चलते हैं नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनाइट का सामान्य नाम खाली स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनाइट है उसका सामान्य नाम हो जाएगा आपका, होता है बेकिंग सोडा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन खालिस्तान है, तो इसका राइट आंसर है CFC। ये आप ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन है। तो ये थे दोस्तों आपके खालिस्तान 1-1 नंबर की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाकर लिखिए, ऑप्शन या स्तंभ बा स्तंभ बा। अब चलते हैं, पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक, दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा चेहरा देखने के लिए, तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आकाश का नीला रंग इंद्र प्रकरण, और चौथे का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंद्रधनुष, पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा आपका कम प्रकाश में धुंधला दिखना, और छठवें का राइट आंसर हो जाएगा आपका वायुमंडली अपवर्तन। तो ये थी आपकी सही जोड़ी, ये भी आप रट लीजिए 100%, यही पेपर आपको देखने को मिलेगा 20 सितंबर को, कक्षा दसवीं का विषय विज्ञान का पेपर है। अब चलते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ, लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं, तो इसका राइट आंसर है संरक्षण, संरक्षण के लिए। भोजन का पाचन आहार नली में किस भाग से प्रारंभ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंह से, मुंह से शुरू होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। जी हाँ दोस्तों, वो बिंब जो बड़ा सीधा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना सके वो है, उसका राइट आंसर है दोस्तों अवतल। जी हाँ दोस्तों, अवतल दर्पण। अब चलते हैं नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5-6 से कम। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो पदार्थ सूक्ष्मजीवी तथा अवघटित नहीं होते क्या कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लीजिए, अवैजिक, अजैविक, निम्नीकरण करणीय, तो ये हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 2। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ, सत असत चयन करके लिखिए, ये भी आपके 1-1 नंबर के हैं। बुझे हुए चूने का सूत्र CO3 होता है, ये हो गया आपका असत। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में गोलियम में पूर्ण होती है, ये भी असत। संवेदी न्यूट्रॉन मेरुरज्जु में आवेग पेशियां तक पहुंचाती हैं, ये भी असत।
लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, सही है। जो पदार्थ ऑक्सीजन हो जाते हैं वो ऑक्सीकारक उपचारक कहलाते हैं, ये भी गलत। और मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, सही। ये आपका चौथा और छठवां सही है और बाकी आपके सारे गलत हैं। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, अथवा रेड क्रॉस अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट। 8 आलू चिप्स पैकेट नाइट्रोजन प्रभावित क्यों किया जाता है, वायु में जलने वाले मैग्नीशियम रिबन साफ क्यों किया जाता है। 9 उदासीकरण अभिक्रिया उदाहरण परिवर्तित कीजिए, अम्ल जलीय विद्युत का जल चालन क्यों करता है। 10 ATP का पूरा नाम बताइए, भोजन के पाचन लार की भूमिका क्या है। 11 अवतल दर्पण के 2 अनुपयोग, वास्तविक प्रतिबंब आवासीय प्रतिबंब। नेक्स्ट 12 है खाद्य श्रृंखला खाद्य जल में 2 अंतर लिखिए, ओजोन परत का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये आपके 2 नंबर के हैं। 13 जाइलम फ्लोरम में 2 अंतर अथवा थमनी सिरा में 2 अंतर लिखिए। 14 श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, अथवा आलू चिप्स के पैकेट नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, ये है 14। 15 हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, अथवा साबुन तथा अपमार्जक के 2 अंतर, ये भी आपका 2 नंबर का है। ये 16 है आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, अथवा अजीवा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। 17 उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 20D है, और ये अथवा ये 18 है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, और अथवा इसका जब लोहे की कील, और ये 19 है इसका, ये आपका 3 नंबर का रहेगा, 18, 19, और ये है आपका 19 का अथवा, और ये है आपका प्रश्न क्रमांक 20 तंत्रिका कोशिका का नामांक चित्र बनाइए, ये भी आपका 3 नंबर का रहेगा, और ये आपका 21 अम्लीय वर्षा इसका जीवधारीय का प्रभाव पड़ता है, तो ये है आपका 21, ये आपका 22 और ये आपका 23। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और इसके जो आंसर हैं वो मैं अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।